हाय एवरीवन, मोनू तनेजा दिस साइड। तो भाई अब आज बात करने वाले क्रिएटिव एस मॉडल की भाई, जिसके वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है भाई, क्या क्या फीचर आपको मिलने वाले हैं। फुल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे भाई। एसेसरीज के साथ साथ आपको गाड़ी की भी अपडेशन मिल रही है। अपकमिंग में आपको जो आने वाली वीडियो होगी क्रिएटिव के सारे मॉडल, कर्व के सारे मॉडल, बेस टू टॉप आपको मेरे चैनल पे प्राइस के साथ मिलने वाले हैं। ऑन रोड कितने का पड़ रहा है और फीचर क्या क्या मिल रहे हैं, इंटीरियर कैसा आ रहा है कलर के हिसाब से। अब ये जो कलर है डाइटोना ग्रे है, तो डाइटोना ग्रे के हिसाब से इंटीरियर में कलर कौन सा आ रहा है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सपोर्ट करिएगा। आप सबके सपोर्ट से, प्यार से ही मैं वीडियो आपके लिए ला पा रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करने वाले वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं भाई। चाबी आपको यही मिल जाती है आपको स्मार्ट की। अगर हम बात करें इसके हेडलैम्प की, ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं आपको इसमें भाई। क्या क्या मिल रहा है सिर्फ वो बता रहा हूँ, क्या नहीं मिल रहा है वो आपको मेरे वेरिएंट के हिसाब से हर डिटेल मिल जाएगी। इससे मेरी पिछली वीडियो कम्प्लीट एस मॉडल की, उसके अंदर सारी चीजें मैंने ब्रीफ कर दी है। तो आप देख सकते हो भाई इसमें कनेक्टेड लाइट नहीं है, बट DRL से आपके और LED लाइट्स आ रही है आपके प्रोजेक्टर बेस मॉडल से। बट आपको इसमें फोगलैम देखने को नहीं मिलेंगे, तो वो आपको अगले मॉडल में जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। अब टायर की अगर हम बात करें तो टायर साइज आपको 17 इंची मिल जाता है इसके अंदर, जो कि टायर का साइज है ये रहा आपका 215/16R70। अगर अलोए, और भाई सबसे अच्छी बात क्या है, आपको अलोए भी मिल रही है और मिल रहा है एरो इंसर्ट कटिंग में। आप देख सकते हो अलोए का डिजाइन कितना प्यारा है। तो ये आपका साइड में कर्व आपका क्रोम में लिखा आ रहा है, आप देख ही रहे हो। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको पता ही है, मैंने बताई थी पिछली वाली वीडियो में 205 mm आपको मिल रही है। और आपको भाई सेंसर टच तो मिली है। साइड प्रोफाइल अगर हम बात कर रहे हैं तो लुक आप देख ही सकते हो, ग्रे कलर का या डाइटोना ग्रे कलर जो आपको इस मॉडल तक ही मिलता है। इसके अगले मॉडल में आप क्रिएटिव प्लस एस में जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप ये मॉडल में ये कलर ले सकते हो। इसमें चार कलर आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं ये नीचे आपको दिख जाएंगे, ये वाले कलर आपको मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम इसके बैक प्रोफाइल की। बैक प्रोफाइल की बात करें तो भाई पैनल आपको ग्लोसी ब्लैक ही मिल जाता है नीचे का, और रियर्स में कैमरा आपको मिल जाता है, टी लोगो मिल ही रहा है। अब इसके बूट स्पेस की बात करें तो भाई बूट स्पेस कुछ 500 लीटर आपको, जैसा कि आपने देखा भाई 500 लीटर स्पेस आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। और अगर स्टेपनी की बात करें भाई, स्टेपनी का टायर साइज क्या मिल रहा है भाई, स्टेपनी का टायर साइज आपको मिल रहा है 215/65R16। तो स्टेपनी में आपको ये आपको स्पेस पूरा मिल रहा है। और अब भाई इसमें पार्सल ट्रे आपको नहीं मिल रही है, जो कि आपके क्रिएटिव प्लस एस में जिसमें भी आ रही है मैं आपको दिखा दूंगा, बट आपको एक्सेसरीज में मिल जाएगी। आप एक्सेसरीज में परचेज कर सकते हो, पार्सल ट्रे लॉन्च हो गई है टाटा में। लेकिन लुक लाइक कनेक्टेड लाइट ये देख सकते हो, गाड़ी का कितना प्यारा लग रहा है। तो आप फ्यूल टैंक की बात करें तो वही 44 लीटर आपको मिल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था सेम वही है। तो ये था आपका साइड प्रोफाइल। और बैक की हम बात करें तो शार्फिन एंटीना आपको मिल रहा है इसके अंदर। और अब सनरूफ भी आपको दिखा देता हूँ भाई, सनरूफ भी आपको मिल रही है। ये थोड़ी सी बारिश हो रही है तो गाड़ी का लुक भी आप देख रहे हो भाई, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। ये देखिए भाई 13। तो भाई इसमें इस मॉडल के अंदर आपको ऑटो रेंज सेंसर भी मिल रहे हैं साथ में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और वॉइस कमांड असिस्टेंट में आपको सनरूफ ओपन वगैरह भी मिल रहा है। तो ये 10 इंची की डिस्प्ले है, वो हम अब इनसाइड की बात करने वाले हैं। इनसाइड में आपको सारी चीजें बता दूंगा मैं, बाकी फ्रंट लुक आप देख ही सकते हो। अब बात करने वाले हम इनसाइड, ड्राइविंग साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ओके, डाइटोना कलर के साथ इंटीरियर कैसा आ रहा है, सबका ये क्वेश्चन था। तो भाई प्रॉपर डिटेल के साथ आपको ये सिर्फ मेरे चैनल पे मिलने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो भाई आपको कलर व्हाइट के साथ कंट्रास्ट मिल जाता है, देख रहे हो आप भाई कितना प्यारा लग रहा है इंटीरियर। अब हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले ड्राइविंग सीट की। 6-way एडजस्टेबल है बट मैनुअल है, जैसे कि आपकी ये रही 1, 2 and 3, तो 3-2 मतलब 6-way, ठीक है। तो ये आपको मिल रहा है सीट में। और फ्रंट में आपको हार्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है, ये रहा स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है हार्मरेस्ट में, ये नहीं है कि नहीं मिल रहा, ये देखिए। बाकी मोड तो आपको पता ही है, सिटी, इको, स्पोर्ट, ये तीनों मोड आपको हमारे सबसे स्टैंडर्ड फीचर है, जो कि भाई कोई भी नहीं देता आपको इस ऐसे मॉडल में, जो कि हम आपको बेस टू टॉप दे रहे हैं। मैनुअल आपको ये मिल जाता है ऑटो डिम, ये आपका मैनुअल है। अब इसकी चीजों की बात करने वाले वो अभी मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। 10 इंची की स्क्रीन, 10.12 इंची की स्क्रीन है आपकी। अब फीचर क्या क्या मिलने वाले वो सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ मैं आपको। इंटीरियर में नोब आपके फुल ब्लैक आने वाले हैं, यहाँ पे आपको ग्लोसी मिल जाता है, बाकी नोब आपको ब्लैक है, क्रोम नहीं है। बाकी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आपको मिरर तो मिल ही जाते हैं, ये देखिए आप, आपको मिल गए, ये तो आपको इलेक्ट्रिक मिल रहे हैं। और वो आपको पुश बटन स्टार्ट यहीं से स्टार्ट है मॉडल से, तो गाड़ी स्टार्ट कर लेते, तो गाड़ी बंद कर देते आप क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, देख सकते हो आप। अब वॉल्यूम अप क्लोज, ये आपको स्क्रीन मिल जाती है। सबसे अच्छी बात है इसमें वॉइस कमांड मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो हेलो टाटा, ओपन सनरूफ,
तो आप भाई देख सकते हो वॉइस कॉन पैरानोमिक सनरूफ आपको इसमें भी मिल जाती है। क्रिएटिव एस मॉडल है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो भाई बंद भी कर देते हैं। हेलो टाटा, सनरूफ को बंद करिए। ओके, सनरूफ बंद कर रहे हैं। ठीक है जी, सनरूफ बंद भी हो गई है। तो वॉइस कमांड आपने देख ही लिया है। गियर का नोब आपको फुल ब्लैक मिल जाता है इस टाइप का, और आपकी 12 पॉइंट लाइटर सॉकेट एंड यूएसबी एंड सी पिन फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है। टच पैनल आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, जहां से आपके सारे ऑपरेशन मिल जाते हैं, एसी कंट्रोल, बाकी वॉइस कमांड से भी आप कर सकते हो। तो से अ कमांड, एसी को तेज करिए। ऑल राइट, एसी का तापमान बढ़ाकर 19.5 किया जा रहा है। तो आप देख रहे हो एसी तेज हो गया। बाकी आप इसको ऑटो भी रख सकते हो, ऑटो अपने अकॉर्डिंगली ऑटो पे ले लेगा। स्पीडो की बात करें तो स्पीडो आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है, जैसे कि टॉप मॉडल में अलग मिल रहा है, ये क्रिएटिव एस मॉडल में आपको स्पीडो ऐसे मिल जाता है। बाकी डिजिटल आपको मिल ही रहा है, फीचर सारे मिल ही रहे, क्रूज आपको मिल ही रहा है इसके अंदर, और बाकी कनेक्टिविटी सारी स्टेयरिंग पे, वॉइस की सारी कॉल कटिंग बीटी कनेक्टिविटी वो आपको एन फ्री रहेगी रहेगी। और हेडलाइट की बात करें तो वही फीचर आपको इसमें ऑटो पे करना है। रेन, अगर रेन सेंसर आपको ऑन रखना है तो इसको ऑटो पे कर देंगे, जिससे कि ऑटो रेन सेंसर और सनरूफ ऑटोमेटिकली। टाइम आ गया है भाई, ऑटो रेन सेंसर ऑन कैसे करना है, सबको एक डाउट रहता है। तो स्टार्ट करते भाई, आपका ऑटो रेन सेंसर एक्टिवेट है भाई। यही आपका सनरूफ में भी एप्लीकेबल होता है, आप देख सकते हो। जैसे मैं सनरूफ ओपन कर रहा हूँ तो आप देखिएगा, वैसे ही आपका सनरूफ ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ये देखिए। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, आपको इसको ऑटो पे रखना है, ये काम जब ही करेगा बंद हो जाएगी। तो हम, ये हो गया आपकी ड्राइविंग साइड, अब ये आगे हो गया आपके को पैसेंजर साइड। स्पेस की बात करें तो स्पेस, अभी आपको लेग रूम का स्पेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कितना प्यारा है लेग रूम का स्पेस है। तो अब ये तो आपको हो गया सनरूफ ओपन का मैनुअल, और बाकी आपने देख ही लिया उसमें भी, वॉइस कमांड में भी, और बाकी लाइट फ्रंट में आप देख रहे हो पूरी दे रखी है। तो सनरूफ हमने बंद कर दिया, वन टच रहता है तो आप उसको यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अब हम बात करते हैं बैक सीट में जाने वाले हैं, तो यहाँ पे आप इसको बंद कर देते हैं, हम चलते हैं बैक लेग रूम की। तो लेग रूम आपको दिखाते हैं कितना स्पेस आपको मिल जाता है। लेग रूम अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो आप, मैंने अपने अकॉर्डिंगली सीट एडजस्ट कर रखी है ये। अब मैं लेग रूम का स्पेस देखते हैं कितना है। अच्छा खासा है स्पेस में, तो कोई कमी है ही नहीं। बाकी क्रिएटिव है, इसमें आपको बैक साइड में एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, और एक यूएसबी चार्जर और एक सी पिन चार्जर बैक में भी मिल रहा है आपको, ठीक है। और लेकिन भाई सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि मैं आपको, एक तो लाइट तो आपको मिल रही है, ये देखिए, ये तो इसके अंदर मिल रही है, और दूसरी चीज कि आपको पीछे की जो सीट है वो बिल्कुल इक्वल मिल रही है। इसमें आपकी सीट जो है 100 नंबर है, जैसे कि बिल्कुल सीधी। मैं दिखा देता हूँ एक बार इसको करना कैसे ओपन, आपको लॉक उठाना है और वहां से उठाना है, तो सीट आपकी फोल्ड हो जाएगी। और सिंगल सीट है भाई, रियर में आर्मरेस्ट नहीं है, क्रिएटिव मॉडल में आपका आर्मरेस्ट नहीं आ रहा है, क्रिएटिव एस मॉडल में, ठीक है। ये आप जो अभी वीडियो देख रहे हो ये आपकी क्रिएटिव एस मॉडल की, जो कि आपके पूरा इंटीरियर आपको मैंने दिखा दिया। इंटीरियर में सीट आपको फैब्रिक मिलने वाली है, सीट कवर आप एडिशनल लगा पाओगे। तो भाई ये आपका इंटीरियर है पूरा क्रिएटिव एस का। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो भाई बताइएगा कमेंट में, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टाइप की चाहिए तो बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लविंग, इतना प्यार देने के लिए। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्राइस क्या है वो मैं आपको बता ही दूंगा, आपको प्राइस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा नंबर भी मिल जाएगा। और अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हो तो भाई जल्द से जल्द मेरे को कॉल करिए, दिल्ली में हो तो भाई मैं दिलवाऊंगा गाड़ी, गारंटीड है, लेकिन कॉल कर लीजिएगा। ओके, ग्लो बॉक्स है इसके अंदर, आपको ये देख सकते हो भाई, आप यहाँ पे कोल ग्लो बॉक्स मिल जाता है, चार स्पीकर आपको मिल जाते हैं भाई, और चार ट्विटर मिल जाते हैं इस मॉडल में आपको। बाकी एसी पे जो क्रोम फिनिशिंग है वो आप देख ही सकते हो, ये आ गया।